इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वन प्लस नॉट सी ई के अंदर आपको कॉल एंड डेट का इशू दिखाती है, तो उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लाइक आपको कॉल एंड डेट दिखा रही है, बट आपके नेटवर्क वगैरह फुल आ रहे हैं, सब कुछ ओके है, तो तब भी दिखा रही है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि एक रिचार्ज हो रहा है आप हर किसी के सिम पर वैलिडिटी का, ठीक है। हाँ, जियो में तो शायद नहीं है, बट हर किसी के फ़ोन्स में सिम में हो रहा है कि वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास वैलिडिटी नहीं है और आपको कोई पर्सन कॉल मिलाता है तो उसके पास कॉल नहीं मिल पाती, चाहे उसके पास रिचार्ज हो या ना हो, बट वो कॉल एंटिट दिखा दे लग रही है। तो ये इशू बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 129 रुपये का रिचार्ज से ऊपर का करवाइए, ठीक है। उस जिस पर आप कॉल मिला रहे हो, आपको उसको पता होना चाहिए कि इसके पे मैक्सिमम बैलेंस है या नहीं है। अगर आप उसमें मैक्सिमम बैलेंस नहीं हो रहा है तो उसमें कॉल कटे जा रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर चेंजेस हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा टर्म एंड कंडीशंस बदल चुकी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि उसके पास मेक श्योर उसके पास यहाँ पर इनकमिंग कॉल का जो है मैसेज पैक होना अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप इसको प्रोसेस को कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आपको इसी तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती रहेगी। तो ये प्रोसेस रहता है और इस वजह से इनको इशू क्रिएट हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।